प्रोफेशनल लॉ एकेडमी एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है जो कि बहुत अवेटेड रहती है कि भाई कब आएगी ये वैकेंसी। एंड वैकेंसी का नाम है दिल्ली पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, दिल्ली पीपी की वैकेंसी है। अभी रिसेंटली कंडक्ट भी हुई थी, काफी बच्चों ने क्वालिफाई भी किया था प्री में। और लेट अस डिस्कस अबाउट द वैकेंसी। तो देखिए, वैकेंसी एज इट इज अगर बात करें तो अभी आई नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इट इज अंडर लिटिगेशन, ठीक है, उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो हम लोग उसी को चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। और वैकेंसी का जो हम कह सकते हैं जो प्राइवेट वैकेंसी होता है, जो यूपीएससी को भेजा जाता है, रिक्विजिशन भेजा जाता है, वो भेज दिया गया है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है केस। अगर डिस्प्ले ठीक नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना, तो मैं सारी चीजें राइटिंग में बता दूंगी और ये चीज मैं आपका अवेलेबल करा दूंगी, ये ऑर्डर इन द टेलीग्राम, ठीक है। तो अगर क्लियरिटी नहीं है तो अभी बता देना, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट में एट न्यू दिल्ली आपका चल रहा है लिटिगेशन, और जो केस है दैट इज दिल्ली प्रोसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो की है पिटिशनर वर्सेस राजीव महेश्वरी का केस चल रहा है जो कि है रिस्पॉन्डेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि एमाइकस क्यूरे जो कि क्या होते हैं, कोर्ट्स फ्रेंड होते हैं, जो पीपी होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पे लिटिगेशन काफी टाइम से चल रहा है। तो कोरम थी चीफ जस्टिस की, कोरम वॉज ऑफ चीफ जस्टिस जिनका क्या नाम है, दैट इज ऑनरेबल सतीश चंद्र शर्मा, ठीक है, और जस्टिस सुब्रमोनी प्रसाद। यहाँ पे जो ऑर्डर आया है ये 11 जनवरी 2023 का ऑर्डर है, पूरा हम अवेलेबल भी करा देंगे। यहाँ पे बोला गया है जो लास्ट एफिडेविट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वॉज फाइल, जो लास्ट एफिडेविट फाइल किया गया था वो फाइल किया गया था 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को एफिडेविट फाइल किया गया था, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ने इन्फॉर्म किया था कि भाई फ्रेश रिक्विजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पैरा है यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्रेश रिक्विजिशन की हमें कितनी पीपी चाहिए है, फ्रेश रिक्विजिशन यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी इज द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, कंडक्टिंग एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, यूपीएससी है। यूपीएससी के पास फ्रेश रिक्विजिशन भेज दिया गया है कि 108 वेकेंट पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कितनी वैकेंसी आ रही है, दैट इज 108 फ्रेश रिक्विजिशन भेज दिया गया है 108 वैकेंसी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा, 108 की बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि जो लर्नेड काउंसिल है उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग कि अमेरिकस क्यूरे की वैकेंसी आनी चाहिए और बहुत जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि 108 कोर्ट की अगर हम बात करें दे आर नॉन फंक्शनल, उसमें काम ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं है। भाई जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ये भी बताया है इन्होंने कि भाई यहाँ पे मिस्टर आशीष दीक्षित जो कि अगेन दिल्ली प्रोसिक्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के जो काउंसिल है, उन्होंने बताया कि जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 कोर्ट्स हैंडल कर रहा है, और यही सेम चीज आपकी क्या हो रही है, यूपी में भी हो रही है, और यूपी एपीओ की भी वैकेंसी आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी एपीओ ये वाला कंक्लूड होगा और यूपी एपीओ दोबारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी एपीओ को तो देखिए आना ही, वो तो अभी चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी है, और यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 108 वैकेंसी है, तो पढ़ना अभी से शुरू कर दो, बहुत जरूरी है, 108 वैकेंसी है, टारगेट अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 108 वैकेंसी है, पढ़ाई अभी से आप शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे एक जो अमेरिकस क्यूरर है, सॉरी जो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो 3 से 4 कोर्ट्स को हैंडल कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा जस्टिस सिस्टम है
वो रुक जाता है। भाई एक बंदा 3 से 4 कोर्ट्स के केसेस को अगर वो हैंडल करेगा तो कितना काम करेगा। हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, तो कितना ही काम करेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए 108 वैकेंसी यूपीएससी को वैकेंसी का फ्रेश रिक्विजिशन भेज दिया गया है। तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी कभी भी नोटिफाई हो जाएगी, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और नेक्स्ट जो इस केस की हियरिंग है इसको तो देखना ही है। जो नेक्स्ट केस की हियरिंग है वो है 14 फरवरी 2023। ठीक, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनवरी 11 जनवरी का ये आपका ऑर्डर आया हुआ है और 108 वैकेंसी की इसमें रिक्विजिशन यूपीएससी को भेज दिया गया है। इस ऑर्डर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये चीज दी गई है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। माइनर एक्ट पढ़ना है, ऐप पे अवेलेबल है, सारे माइनर एक्ट अवेलेबल है विद केस लॉज एवरीथिंग। तो जिसको भी पढ़ना है डायरेक्ट ऐप पे जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए चीजें और वैकेंसी अपडेट लाने में। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।